जन जन की आवाज़ जीएन भारत एक बार फिर से जगन्नाथ मंदिर परिसर में मौजूद है। आपको बता दें जगन्नाथ मंदिर तो खैर ऊपर है, यहाँ से शायद आपको थोड़ा विजुअल ना नजर आए जो हम आपको जूम करके बाद में दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आप जैसा मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए कि कैसे मिठाइयों की दुकान जो है वो सज चुकी है, तरह तरह की मिठाइयाँ आपको मिल जाएगी। आपको बता दें ये सब हो रहा है जगन्नाथ मंदिर में जो के उपरांत जो रथ यात्रा में जो मेले लगते हैं उसको लेकर है। जगन्नाथ मंदिर हर साल जो मेले लगते हैं वो बहुत विशेष होता है। आपको बताते चले कि कल जो है वो रथ यात्रा सुबह सुबह निकाली जाएगी, हो सकता है सीएम उसमें उपस्थित होंगे या नहीं वो तो कल हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी का हाल जो कल जो रथ यात्रा निकलेगा उसके लिए मानो कि पूरा जगन्नाथ मंदिर परिसर और आसपास के जो एरिया है मेले को लेकर पूरी तरीके से चकाचौंध और पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे जो वर्कर है मिठाई तरह तरह के मिठाई बना के जो यहाँ पे रख रहे हैं कल के लिए कितना कुछ तैयार है, इनसे हम थोड़ा जानेंगे और कितना एक्साइटेड है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर आपको बता दें कोरोना अभी फैल रहा है उसको गाइडलाइन को लेकर कुछ जारी किया गया है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होगा, हो सकता है गाइडलाइन की धज्जियाँ भी उड़ाई जा सकती है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। पहले हम कुछ बात करेंगे दुकानदारों से, इस बार कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और प्रशासन ने बहुत सख्त गाइडलाइन दिया है, आपको लगता है इस पर आपके खरीद बिक्री पर कुछ असर पड़ेगी, क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलेंगे बोलिए, हम कह रहे हैं कोरोना गाइडलाइन जारी हुआ है, ज़्यादा भीड़ नहीं करना, आपको लगता है कि इससे आप लोगों की खरीद बिक्री पर कुछ असर पड़ेगी? हम लोग का मान लीजिए भीड़ नहीं होगा तो मिठाई उठाई बिकेगा नहीं, उसी चलते और क्या बोला, अगर भीड़ हुआ तो पूरा खत्म होगा, अच्छा सेलिंग होगा। हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग बाहर से आए हैं। क्या कह रहे हो? अगर ज्यादा भीड़ होगा तो हम लोग को मिठाई बिकेगा। अच्छा, लेकिन ज्यादा भीड़ हुआ तो कोरोना भी तो हो सकता है? कोरोना तो चल गया, दो साल पहले ही था कोरोना, अभी कहाँ करो ना, सब तो महामारी खत्म हो चुकी। तो आप देख सकते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भीड़ होगा तो फायदा तो हम ही लोगों को होगा, लेकिन बात है भीड़ होगा तो मिठाई बिकेगी, फायदा होगा साथ में कोरोना भी होगा। तो आप देख सकते हैं किसी ने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया, आप देखें कोरोना गाइडलाइन का पालन तो फिलहाल नहीं हो रहा है, सरकार बहुत ही सख्त है कोरोना गाइडलाइन को लेकर, लेकिन लगता है लोगों ने दो साल जो ब्रेक लगाया उसके बाद वो एकदम खुली मास्क को भी हटा के खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। हम आपको अब जगन्नाथ मंदिर के मैं चाहूँगी थोड़ा लाइन से दिखाएं, हमारे बहुत मेले मिठाइयों की दुकान तो सज चुके हैं, लोगों का थोड़ा आवाजाही भी अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद की भी जो है वो स्टॉल लग चुके हैं। तो हम थोड़ा बात करना चाहेंगे बाबूजी, दो साल बाद लग रहा है, क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? बहुत उम्मीद लेके आप लोग आते हैं, ठेला लगाते, लेकिन अगर नहीं बिकता तो बहुत निराशा हाथ होता, अब फिर से कोरोना आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? दो साल तो बहुत परेशानी में आदमी को गुजरा, समझ रहे हैं, तो बहुत आशा लगा कर दुकान लगाए हैं सब दुकानदार लोग, जो दो पैसा प्रॉफिट हो जिससे घर घर परिवार चले, है ना, तो सब जगन्नाथ भगवान की महिमा है, नहीं तो सरकार तो बंद कर दिया था जिस हिसाब, मगर फिर ऑर्डर हुआ कोर्ट से तब फिर लग रहा है सरकार ने, बहुत खुशी है। अच्छा, सरकार ने तो ये भी कह दिया था कि मेला ना लगा। हाँ हाँ हाँ, तो अब तो सरकार खिलाफ बोलेंगे तो बोलिएगा, नहीं बोलते हैं। आप खिलाफ या मत जाइए, जो आपके दिल के बात है वो बताइए, दिल क्या कह रहा है, दिल में भावना क्या है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के प्रति सरकार जो है यहाँ हिंदू लोग का जो भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें रोक लगाता है, क्रिश्चियन लोग का होता है, मुस्लिम लोग का होता है, उसमें वही लोग छूट देता है। अब ठीक सरकार नहीं है, मतलब सरकार से नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है। एक बात बताइए, दो साल मेला नहीं लगा लेकिन दो साल में चुनावी रैली तो हुआ, सब कुछ हुआ, सब सारे कुछ। भीड़ लगा, दो साल आपके पेट पे लात मारा गया, दो साल घर परिवार में क्या आपको झेलना पड़ा, क्योंकि इसी से आपका घर चलता है? बहुत 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 कर्जा गुआ में दब गए हम, समझे दीदी, सब दो बात साल में कभी ऐसा भी दिन आया कि रात में भूखे सोना पड़ा हो? नहीं, वैसा तो नहीं, मोदी जी का महिमा। अच्छा। जो डबल राशन मिला इससे चला, वो आदमी के रूप में भगवान है मोदी जी, हाँ मानना पड़ेगा। इस बार मेले को लेकर कितना उत्साहित है आप, कितना उत्साहित है, क्या कहेंगे, खुशी के बारे में क्या कहेंगे? खुशी हम लोग जो इसे मैंने रोजी रोजगार से प्रॉफिट होगा तो घर परिवार खुशहाल रहेगा। क्या दुआ देंगे इस बार, दो साल बाद हो रहा है तो भगवान दुआ, भगवान को हम लोग तो सुबह शाम उठ कर के गोर लगते हैं। तो आपने देखा कि ये जो दुकानदार है, क्या नाम आपने बताया था भाई आपने,
रमन जी यहाँ पे हर साल लगाते थे, दो साल से तो खैर लगा नहीं, लेकिन इनकी सरकार से खासा नाराजगी है। इन्होंने तो साफ तौर पर कह डाला कि ये सरकार हिंदू क्रिश्चियन का कुछ होता है तो उसको मान्यता देती है, लेकिन हिंदू का कुछ होता है फेस्टिवल तो उसमें सीधा रोक लगा देती है। सरकार सही नहीं है, यहाँ तक कह दिया, और मोदी जी को भगवान का अवतार कहा कि दो साल में घर में खाने की किल्लत नहीं हुई, डबल राशन मिला है। अब इसके साथ ही बहुत खुश नजर आ रही है मोदी से। चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। आप पूरा का पूरा जीएन भारत की टीम मौजूद है जगन्नाथ मंदिर परिसर में और पूरा मुआयना कर रहा है। इसके साथ ही हम आप देख सकते हैं मेले में आपको अक्सर इस तरह की सामान, छोटी छोटी सामान आपको चीजें देखेगी बिकते हुए, और ये छोटे छोटे भले चीज हो लेकिन एक जब वो बेचते हैं तो इनके मायने बहुत ज्यादा होते हैं, इससे इनका घर चलता है। भैया दो साल बाद मेला लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? क्या मिला? क्या लग रहा है बिकेगा इस बार, मतलब क्या? अच्छा देखिए बिकेगा तब ना। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं मायूसी है आपके अंदर। मेला आप देख सकते हैं, लाइन से मैं चाहूंगी कैमरामैन को दिखाने, मेला जो है वो सच चुका है, मेले में जो ठेले पूरे सच चुके हैं। इसके साथ ही हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में और क्या कितने एक्साइटेड है इस बार। भैया आप चौमिन चिली की दुकान आपने लगाया, दो साल बाद मेला लगा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उम्मीद है क्योंकि दो साल बाद है? अभी नहीं मालूम हमको जी, हमको ये नहीं है मालूम अभी, हम खुद नए आए हैं गांव तरफ से। अच्छा नए आए हैं, खुश है इस बार? हाँ खुश है। ये थोड़ा शर्मा रहा है एक्चुअली, ये थोड़ा आप देख सकते हैं छोले भटोरे का दुकान हम देख सकते हैं, लाइन से सारे लोग बैठ के छोले भटोरे खा रहे हैं। इधर आइए, छोले भटोरे वाले भैया से थोड़ा बात कर ले। भैया छोले भटोरे बेच रहे हैं? हाँ। तो इस बार दो साल बाद छोले भटोरे आप मेले में बेच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इतने दिन का ब्रेक लग गया था बीच में ब्रेक लगा था, लॉकडाउन में साला नुकसान कर दिया पूरा। आप देख सकते हैं झूले, आप मैं चाहूंगी कैमरामैन को सामने झूले दिखाने के लिए, कितने सारे झूले सच चुके हैं, सबसे ज्यादा बिजली झूला है, इसके साथ ही और भी कई झूला है, झूले वाले से ही बात करने की कोशिश हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम झूले पर, ये ड्रैगन झूला है, असल में हम ड्रैगन झूला पे बैठे हुए हैं, और मेले में ड्रैगन झूला हो चाहे बिजली झूला हो डिस्को झूला हो, हर झूले का अपना अलग स्वैग होता है, हर झूले का अपना अलग मजा होता है। आपको बता दें फिलहाल तो सब ये शांत, ये ड्रैगन भी आपको शांत नजर आ रहा है, लेकिन कल देखिएगा ये ड्रैगन अपना पूरा रफ्तार पकड़ लेगा, तब जब टिकट की खिड़की खुलेगी और लोगों का जमावड़ा होगा। आप जैसा मौसम देख सकते हैं कि बारिश, हम खुद रेनकोट पहनकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बारिश का महीना चल रहा है और बारिश होने के पूरे आसार है, लेकिन लोगों का भीड़ जो है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बारिश भी साधु ने ना रोक पाएगी। दो साल बाद ये मौका मिला है तो दो साल बाद झूले का और हर चीज़ का जनता का आनंद लेना चाह रही है, क्योंकि कोरोना तो वैसे बढ़ रहा है, गाइडलाइन जारी होगा, हर गाइडलाइन का पालन होना भी जरूरी है, लेकिन झूले आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को जरा उधर दिखाइए, डिस्को झूला है जी, हाँ उधर जरा दिखाए, सारे कारीगर जो है वो सारे झूले को फिट कर रहे हैं, और इसके साथ ही कम से कम 4-5 बिजली, मतलब देख के लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दो साल बाद मानो शुरुआत, बहुत उत्साह है, ऐसा लग रहा है जैसे हर साल करते आ रहे हैं, और बहुत उम्मीद के साथ इस बार छत्तीसगढ़ बिहार उत्तर प्रदेश से झूला लगाने वाले आए हैं, और इसके साथ ही इस बार उम्मीद है कि जो दो साल में जो नुकसान हुआ है इस मेले में हम उसकी भरपाई कर पाएँ। चूँकि जगन्नाथ मंदिर मेले का बात हो रहा है और रथ यात्रा उसका सबसे इम्पोर्टेंट और वही एक पार्टी होता है जिसको देखना बहुत अपने आप को लोग भाग्यशाली मानते रथ यात्रा का पार्ट होते हो, आप देख सकते हैं मैं दिखाना चाहूँगी रथ कितना खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। बता दें दो साल बाद ये अवसर पूरा नया रथ ही तैयार किया गया, आपको बता दें कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके, धूप अब तो बरसात आ गया है लेकिन ये पूरे धूप मई जून में कारीगरों ने दिन रात, हमने आपको एक स्टोरी भी दिखाई थी कैसे कारीगरों ने दिन रात एक करके कड़ी धूप के नीचे इस रथ को तैयार किया है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ रथ को तैयार किया गया है, पूरी से इंस्पायर्ड है ये लुक, जितना भी लुक आप देख रहे हैं पूरी तरीके से पूरी से इंस्पायर्ड है। आप इसकी कारीगरी भी देख सकते हैं, हंस बना हुआ है, शेर बना हुआ है, हर तरह की फूल की कारीगरी के साथ बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इस रथ को। आपको बता दें सुबह सुबह 7 बजे यही रथ निकलेगा भगवान, और ये रथ की सवारी करते हुए भगवान जगन्नाथ इस रथ की सवारी करेंगे, जिसको देखने के लिए आपको बता दे रहे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने वाली है, करीबन ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के से खबर मिल रही कि 2 लाख की संख्या में भीड़ आ सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है इस समय, हर साल, इस साल की बात नहीं हो रही है, ये तो बीच में 2 साल कोरोना नहीं हुआ, नहीं तो इससे पहले भी प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है ऐसे भीड़ को संभालना, आप समझ सकते हैं।
श्रद्धा का है और जहाँ बात श्रद्धा का होती है वहाँ पे भीड़ लगना वो भी भारत में ये सामान्य बात है। जगन्नाथ मंदिर का नज़ारा आप देखेंगे तो वाकई में आपके भी दिल दिमाग मस्तिष्क सब बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। ज़रा देख लीजिए कितना खूबसूरती के साथ। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से, मैं सहयोगी से आग्रह करूँगी वो दिखाए ज़रा मंदिर का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पिंक कलर से पूरा रंगा गया है जगन्नाथ मंदिर को। ऊपर एक चक्र भी है जो उनका सिंबल है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पूरी का पैटर्न है। ये मंदिर अपने आप में पूरा पूरी पैटर्न, जिस तरीके से ऊपर में सिंह है, उसके ऊपर पिताका है, उसके नीचे जो कलश कहते हैं वो है, उसके नीचे ये जो लाइनिंग है पूरा का पूरा ये पूरा जो है, उसके बाद ग्रे भाग है, पूरा का पूरा ये पूरी पैटर्न में बना हुआ है और बहुत खूबसूरत तरीके से ये मंदिर को सजाया गया है रथ यात्रा के लिए। लो आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी लोगों की आवाजाही भी पूरी ये शुरू हो चुकी है। सारे लोग जो है, बरसात का मौसम है, बरसात का डर है, इसके बावजूद भी लोग जो है बहुत एक्साइटेड है। सारे लोग आ चुके हैं और रिपोर्टर्स भी अपना रिपोर्टिंग करने के लिए सारे लोग आ चुके हैं, जिसकी जिसकी ड्यूटी है सब यहाँ पे लगे हुए हैं। यह मेरा कहने का मतलब है जो पर्यटक है वो घूमने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जगन्नाथ मंदिर का जब मेला लगता है तो पर्यटक की ड्यूटी बन जाती है वो वहाँ आए और यहाँ का शोभा बढ़ाए। हर साल इस चीज़ का इंतजार रहता है, पिछले 2 साल का लगता है, भरपाई इस साल होगा कि नहीं ये तो हम आपको अगली अपडेट में बताएंगे। इसके साथ ही आज हमने आपको बताया कि मेले में क्या क्या है। हाँ, एक पुजारी है यहाँ पर। आज आपका नाम क्या है, क्या है? शत्रुघ्न कुमार है, कांगड़सरा के वासी हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम ब्राह्मण हैं। हाँ, अच्छा। और ब्राह्मण हैं तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल बना हुआ है, बाबा जगन्नाथ का बहुत अच्छा कृपा बसा हुआ है और उनका दिन रहा तो इस साल बहुत अच्छा रहेगा और हर साल के भांति इस साल तो कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल। हम इस बार पहली बार आए हैं, फिर भी यहाँ के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। माहौल बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है और मेरा काम थोड़ा सा कंगन सिरवादी है, ब्राह्मण का तो काम ही रहता है। लोग यहाँ आ रहे हैं, आपको भीड़ नजर आ रहा है? हाँ, लोग तो यहाँ बहुत मतलब बहुत स्मार्ट स्मार्ट यहाँ पे व्यक्ति आ रहे हैं, पावरफुल व्यक्ति आ रहे हैं जिनको आधा से आधा नज़दीक लक्ष्मी माता हो चुके हैं। हमको तो लगता है बहुत जल्दी लक्ष्मी माता सारा देवी देवता भगवान सब मनुष्य पर बहुत जल्द ही नज़दीक बनाए रखें। चलिए, आपने देखा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो भी बहुत नए आए हैं, बहुत दूर पहली बार यहाँ पे बहुत लोग आए हैं। बात जी जी, क्या कह रहे थे? जगन्नाथ बाबा बहुत जसीले हैं। अच्छा। समझे? हाँ। बहुत इनको जनता लोग चाहते हैं। हाँ। समझे ना? जी हाँ, तो जगन्नाथ भगवान पे विशेष कृपा वो बनाए रखे, इसकी सब कोई मनोकामना कर रहा है, चाहे वो एक फल बेचने वाला हो, पुचका बेचने वाला हो, चाउमीन से लेकर एक झूला लगाने वाला हो, क्योंकि सबके मन में यही है कि 2 साल जो चीज़ नहीं हुआ वो इस बार फिर से ना हो जाए। आप पीछे में थोड़ा ढोलक नगाड़ों की आवाज़ भी आप देख सकते हैं। महफिल यानी कि जो शाम है वो बहुत खूबसूरत जाने वाला है लोगों का मेले में। कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रथ यात्रा में CM आते हैं तो क्या नज़ारा होता है। अगर आते हैं तो सबसे पहला अपडेट हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। GN भारत की टीम आपको बता दे जगन्नाथपुर मंदिर के परिसर और आसपास चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर एक अपडेट आपको सबसे पहले GN भारत में देखने को मिलेगा। सहयोगी बजाज राशिका के साथ मैं शिखा श्रेया रांची, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।